हाय एवरीवन, फिर से एक न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सबका स्वागत है। सो दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, अगर आप एक पीएफ मेंबर हैं दोस्तों, और जब भी आप अपना पीएफ अकाउंट में क्लेम फॉर्म भरने जाते हैं तो वहाँ पे दोस्तों आपके पास एक फॉर्म नजर आता होगा, फॉर्म नंबर 10 से, जिसे दोस्तों वर्ली पेंशन विड्रॉल फॉर्म यहाँ पे आपके पास देख सकते हैं, आपके पास नजर आता है वर्ली पेंशन विड्रॉल फॉर्म। तो आज की वीडियो दोस्तों मैं आपको इसी फॉर्म के बारे में पूरी जानकारी बताने वाला हूँ कि वर्ली पेंशन विड्रॉल फॉर्म आप किस कंडीशन में भरेंगे, इसका क्राइटेरिया क्या है, यहाँ पे ईपीएफओ द्वारा क्या नियम और शर्तें रखा गया है, तभी दोस्तों आप अपना पीएफ अकाउंट वर्ली पेंशन विड्रॉल फॉर्म भरेंगे फॉर्म नंबर 10 से, अपना पीएफ का जो पेंशन होता है उसे आप निकाल पाएंगे। तो इस वीडियो में आपको कंप्लीट जानकारी देने वाला हूँ किस कंडीशन में आप यहाँ पे वर्ली पेंशन विड्रॉल फॉर्म भरेंगे। काफी इंटरेस्टिंग और काफी जानकारी वाला वीडियो होने वाला है, काफी छोटा होने वाला है, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो अच्छा लगता है वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको जानकारी के लिए बता देता हूँ, जब भी दोस्तों आप पीएफ अकाउंट में फॉर्म भरने के लिए जाते हैं क्लेम फॉर्म, वहाँ पे आपके पास चार फॉर्म नजर आता होगा, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहला है वर्ली पीएफ विड्रॉल फॉर्म, तो इसके बारे में वीडियो बना चुका हूँ किस कंडीशन में आप वर्ली पीएफ विड्रॉल फॉर्म आप भरेंगे, उसका लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, उसे आप चेक कर लीजिएगा, एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे वर्ली पेंशन विड्रॉल फॉर्म नंबर 10 इसी के बारे में बताने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं स्क्रीन पे आपको नजर आता है वर्ली पेंशन विड्रॉल फॉर्म, इसका मतलब ही आपको जानकारी मिल गया होगा, यहीं से पढ़ने से पता चल जा रहा है कि वर्ली पेंशन विड्रॉल फॉर्म सिर्फ दोस्तों इस फॉर्म को भर करके आप अपना पेंशन का जो पैसा होता है उसे निकाल सकते हैं। जिससे मैं आपको एक पासबुक दिखा देता हूँ, जिससे स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये पासबुक यहाँ मैं ओपन कर दिया हूँ, यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं पेंशन कंट्रीब्यूशन में आपको नजर आता होगा पेंशन का पैसा, इसी पेंशन का पैसा को आप निकाल सकते हैं। लेकिन रुकिए दोस्तों, यहाँ पे आप डायरेक्टली इस पेंशन को फॉर्म नंबर 10 से भर के आप डायरेक्टली पैसा नहीं निकाल पाएंगे, इसके लिए कुछ नियम और शर्तें तय करके किया गया है, मैं आपको इस वीडियो में वही जानकारी देने वाला हूँ। दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे आपको एक जानकारी दे देता हूँ कि वर्ली पेंशन विड्रॉल फॉर्म कौन कौन व्यक्ति भर सकते हैं, इसका क्या नियम और शर्तें रखा गया है ईपीएफओ के द्वारा, मैं आपको जानकारी दे देता हूँ। दोस्तों जब भी किसी भी कंपनी में आप काम करने के लिए जाते हैं, वहाँ पे कंपनी में काम करते हैं, इसके लिए तीन कंडीशन हो सकता है। पहला कंडीशन अगर आप 6 महीने तक काम किए, दूसरा कंडीशन दोस्तों 6 महीने से लेकर 9 साल 6 महीने तक काम किए, और तीसरा कंडीशन दोस्तों 9 साल 6 महीने से अधिक काम किया। तीनों कंडीशन पर डिपेंड पड़ेगा आपका वर्ली पेंशन विड्रॉल फॉर्म आप भर पाएंगे या नहीं भर पाएंगे। तो चलिए बारीक इसमें आपको समझा देता हूँ। जब भी दोस्तों आप किसी कंपनी में 6 महीने तक आप काम किए, 6 महीने काम करके आप छोड़ दिए, तो आप दोस्तों आपको पेंशन का पैसा नहीं मिलेगा, और वहाँ पे दोस्तों आप इस सिस्टम में वर्ली पेंशन विड्रॉल फॉर्म आप नहीं भर पाएंगे, क्योंकि दोस्तों वहाँ पे पेंशन का पैसा आपको 1 भी रुपया नहीं मिलेगा, तो आप इस फॉर्म को नहीं भर पाएंगे, ठीक है। साधारण से बात समझिए, अगर आप किसी भी कंपनी में 6 महीने से कम काम करते हैं तो आपको पेंशन का पैसा नहीं मिलेगा, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन दोस्तों, अगर आप किसी भी कंपनी में काम करने के लिए दिया, उस कंपनी में आपने 6 महीने से लेकर 9 साल 6 महीने तक काम किया, इस कंडीशन में दोस्तों आपको पेंशन का पैसा मिलेगा, तभी दोस्तों जब अपना कंपनी छोड़ देंगे और वहाँ पे डेट ऑफ एक्सचेंज शो हो जाएगा, उसके बाद वहाँ पे आप वर्ली पेंशन विड्रॉल फॉर्म भर के आप अपना पेंशन का विड्रॉल फॉर्म निकाल सकते हैं। जो भी आपका पेंशन होगा पीएफ अकाउंट में उसे विड्रॉ कर पाएंगे। जब दोस्तों आप किसी भी कंपनी में 6 महीने से लेकर के 9 साल 6 महीने तक आप काम करेंगे, तब जो यहाँ पे स्क्रीन पर आपको पेंशन का पैसा नजर आता होगा, तो आपका अलग होगा, मेरे अनुसार देख सकते इतना है, इस पैसा को आप पूरा का पूरा निकाल पाएंगे, ठीक है। वर्ली पीएफ विड्रॉल फॉर्म जब आप भर देंगे फॉर्म नंबर 10 से, तो जो आपका पेंशन का पूरा फुल एंड फाइनल आपका निकल जाएगा। अब दोस्तों तीसरा कंडीशन में भी आप यहाँ पे वर्ली पेंशन विड्रॉल फॉर्म आप नहीं भर पाएंगे। तीसरा कंडीशन दोस्तों, अगर आप किसी भी कंपनी में 9 साल 6 महीने से ज्यादा काम किया, लगभग आप 10 साल से ज्यादा काम किए, चाहे वो आप 20 साल किए हो, 30 साल किए हो, जितना भी किए होंगे, सिंपल से आपका 9 साल 6 महीने ज्यादा काम अगर है, तो दोस्तों उस कंडीशन में आप वर्ली पेंशन विड्रॉल फॉर्म आप नहीं भर पाएंगे। तो होगा क्या, तो वो समझिए, जब भी दोस्तों आपका उम्र हो जाएगा 58 वर्ष हो जाने के बाद, तो जो आपके पीएफ अकाउंट में पेंशन का पैसा पड़ा हुआ है, वो दोस्तों आपको मासिक के रूप में कुछ पैसा आपको दिया जाएगा, ठीक है। ईपीएफओ द्वारा तय किया जाएगा आपको पेंशन के रूप में प्रतिमाह कितना दिया जाएगा, आपके अकाउंट में जितना पड़ा होगा उसी के अनुसार आपको पेंशन के रूप में आपको दिया जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो वहां भी इस कंडीशन में आप यहाँ पे फॉर्म नंबर 10 से नहीं भर पाएंगे। सिंपल सो फिर से मैं एक बार शॉर्ट में समझा देता हूँ दोस्तों, अगर आप किसी भी कंपनी में 6 महीने तक आप काम किए तो पेंशन का हकदार नहीं होंगे। अगर दोस्तों आप किसी भी कंपनी 6 महीने से लेकर 9 साल 6 महीने के बीच में आप काम किए हैं, तभी दोस्तों वर्ली पेंशन विड्रॉल फॉर्म भर करके आपके जो पीएफ अकाउंट में जितना पेंशन का पैसा पड़ा हुआ है उसे फुल एंड फाइनल आप निकाल सकते हैं। तीसरा कंडीशन दोस्तों, अगर आप किसी भी कंपनी में 9 साल 6 महीने से ज्यादा काम किए, 10 साल से ज्यादा काम किए, तब दोस्तों वहां भी आप वर्ली पेंशन विड्रॉल फॉर्म नहीं निकाल पाएंगे। तब क्या होगा, आपका पेंशन का पैसा जब आपका 58 वर्ष हो जाएगा, तो आपको ईपीएफओ के द्वारा पेंशन के रूप में प्रत्येक माह आपको कुछ पैसा दे किया जाएगा। इसका फिक्स नहीं रहता, इसका रेशियो से निकलता है, पर लेकिन दोस्तों एक महीना में 1000 से लगभग ज्यादा ही रहता है, 1000 से ऊपर ही रहता है, ठीक है। ये नियम और कानून के अनुसार होता है ईपीएफओ के द्वारा। तो तीनों कंडीशन में आप किस कंडीशन पेंशन का पैसा निकाल पाएंगे नहीं निकाल पाएंगे, वो मैं आपको जानकारी दे दी हूँ। किसी भी प्रकार डाउट कंफ्यूजन हो
तो वीडियो के नीचे आपको कमेंट बॉक्स मिलता है, कमेंट में उसको भर दें, उसका रिप्लाई सभी को मैं देता रहूंगा। और हाँ दोस्तों, वीडियो अच्छा लगता हो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और पूरी जानकारी आपको मिल गया होगा, वीडियो अच्छा लगा हो, यूजफुल लगा हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यहाँ पर आपको रेड कलर सब्सक्राइब का बटन मिलता होगा, इस पर क्लिक कर दीजिएगा, बेल घंटी भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाला हर नेक्स्ट वीडियो दोस्तों आपके पास सबसे पहले पहुंच सके।